छत्तीसगढ़ के नगर अकलतरा में जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध महान संत आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रथम दीक्षित शिष्या आर्यका रतन गुरमीत माता जी एवं उनके संघ की 22 आर्यका माताओं को चतुर्मास पूर्ण होने के अवसर पर पिछिका परिवर्तन महोत्सव का भव्य समारोह जैन मंदिर के सामने आयोजित हुआ, जिसमें रायपुर बिलासपुर सहित दूर दूर से जैन धर्मलंबी सम्मिलित हुए, पिछी परिवर्तन को अद्भुत मांगलिक पल का आनंद लिया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला अपने सर पर कलश व नए पिछियों को लिए चल रही थी। समारोह में मंगल प्रवचन देते हुए गुरमीत माताजी ने बताया कि जैन संत व साध्वी मोर पंखी पिछी व कामदंड धारण करते हैं और मोर वर्ष में एक बार स्वयं ही पंख त्यागता है, जिसके उसके पंख प्राप्त करने के लिए कोई हिंसा नहीं होती। हमारे आदरणीय विधायक कुल्ली लाल जी का तीनों गुंबद जय समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार एक लेख पढ़ा था हमने, खून से सनी हुई पिच्छी का, उनको लगता है कि यह मयूर को कुछ कष्ट देकर के प्राप्त किया जाता है, नहीं, वह स्वतः ही छोड़ता है मयूर अपने पंखों को, उन्हीं को एकत्रित करके, पहले मुनि महाराज जंगलों में रहते थे, वहीं पर पंख मिल जाते थे और उनको ही बांध करके और अपने संयम का पालन किया करते थे। आज नगर में आ गए मुनि महाराज साधकगण, तो उनके लिए यह एक चिन्ह के रूप में है और वह चिन्ह के रूप में होकर के भी उस छत्तीसगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।